क्या बना रहे हैं आप लोग? क्या बना रहे हैं? रिया दिखाइए, आपने क्या बनाया? बिल्ली। बिल्ली बनाई है? अरे इसके कान तो बनाए नहीं। अच्छा, आप लोगों ने तो बहुत अच्छा अच्छा बनाया है। अच्छा, हम कहानी सुनाएंगे और आप लोग कहानी सुन लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? आ ए ई उ ए ए पढ़ लिया, यहाँ तक सारे अक्षर सीख लिए। आज हम क्या पढ़ेंगे? ओ औ अं आह। हमारी तरफ देखिए, ओ औ अं आह पढ़ेंगे। ये क्या है? ओखली। ओखली। ओ से क्या होता है? ओखली। जोर से बोलिए, ओ से क्या होता है? ओखली। ओखली। समझ में आया? अच्छा, एक बात ये बताइए, ओ से आपने क्या सीखा? ओखली सीखी। अच्छा, और रिया आप बताइए, ओ से और क्या होता है? ऊँट तो नहीं होता। ओ से और बताइए क्या होता है? अच्छा, नहीं आता। देखिए, पुल पर छोटी छोटी बूंदे पड़ी हैं। ओस। तो इसको ओ से क्या सीखा? ओस। अच्छा आदित्य, एक बात बताइए, आपने पानी बरसते देखा है? तो उसमें कभी कभी देखा है कि सफेद सफेद बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, उनको क्या कहते हैं? ओला। क्या कहते हैं? ओला। हम लोगों ने आज कौन कौन से अक्षर सीखे? ओ सीखा। ओ से कौन कौन से शब्द सीखे? ओस, ओखली, ओला। अब लिखना सीखिए आप। देखिए कैसे ओ लिखते हैं, ठीक है? देखिए, पहले ऐसे एक लाइन खींच दी, ठीक है? देखिए आप लोग, फिर ऐसे छोटा बना दिया, ठीक है? इसमें एक मात्रा खींच दी, हाँ, और ये मात्रा ओ की लगा दी। अब आप लोग अपनी स्लेट पे ओ लिख कर दिखाइए। मैं ओ, इसमें तो एक मात्रा लगेगी। अभी लाइए, देखिए इसमें ये मात्रा लगेगी ऐसे, हाँ? बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या सीखेंगे? ओ। कौन सा अक्षर पढ़ेंगे? ओ। ओ से, ओ से क्या होता है? औरत। ओ से और क्या होता है? अनंत बताइए। औजार। ओ से और कौन सा शब्द होता है? औजार। अब आप क्या लिखेंगे? औ। ओ से औजार होता है, तो अब क्या लिखेंगे? औ। लाइन खींचिए, ठीक? क्या एक मात्रा खींची? अब ओ में एक मात्रा और ओ में बच्चों दो, ठीक? मात्रा देखिए। अब और लिख कर दिखाइए। हाँ, बहुत अच्छा और लिखा है। हाँ, बहुत अच्छा और लिखा है। दादी मेरा, हाँ, बीच में से ऐसे मात्रा आ बनाओ ठीक से। देखिए इसमें ये ऐसे बनाइए, इसके बाद क्या होगा? अंग। ये क्या है? अंगूर। अंगूर। अंग से क्या हुआ? अंगूर। अंगूर। अच्छा, आप लोग कहानी सुनने को कह रहे थे ना? हाँ, तो अब हम आपको एक कहानी छोटी सी सुनाते हैं। एक जंगल में एक लोमड़ी घूम रही थी। वो बहुत भूखी थी, क्या सोच रही थी क्या खाएं क्या खाएं। तो उसको एक पेड़ पे डाल में खूब सारे अंगूर के गुच्छे लटकते हुए दिखाई दे रहे थे। देखिए, ऐसे ऐसे अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे खूब ढेर सारे। लोमड़ी ने देखा,
अंगूर लटक रहे हैं। उसका मन किया कि हम अंगूर खा लें, हमें तो भूख लगी है, हम अंगूर खा लेते हैं। तो खूब कूदी, मगर वो अंगूर के गुच्छे तक नहीं पहुंच सकी, क्योंकि अंगूर के गुच्छे बहुत ऊपर लगे हुए थे। तो वो कैसे पहुंचती, उसको अंगूर का गुच्छा एक भी नहीं मिला और वो एकदम थक गई। जब थक के खड़ी हुई तो जानते हो लोमड़ी ने क्या कहा अंगूरों से, अंगूर तो खट्टे हैं इसीलिए अच्छे हैं, हमको नहीं मिला कोई बात नहीं। अंगूर क्या कहा लोमड़ी ने, अंगूर खट्टे हैं, खट्टे हैं। तो उसको अंगूर मिले नहीं थे इसलिए उसने कह दिया अंगूर खट्टे हैं। अच्छा आदित्य एक चीज और बताइए, अंग से और क्या होता है? आप लोग गिनती पढ़ते हैं, एक दो तीन चार, इनको क्या कहते हैं? अंक। अंक से और क्या हुआ? अंक। अच्छा रिया आपका पूरा शरीर है, ये हाथ उठाइए, ये क्या है? अंग है, आपके शरीर का एक अंग है। तो अंग से क्या हुआ? अंग। तो आपने आज अंग से कितने अक्षर सीखे, कितने शब्द सीखे? अंग अक्षर से कितने शब्द सीखे? अंगूर, अंक और अंग, तीन शब्द सीखे। अंग, अंग से, अंग अक्षर से कितने शब्द सीखे? अंगूर, अंक और अंग। हाँ समझ में आया? हमारी तरफ देखिए, हमारी तरफ देखिए, तभी तो हम पढ़ा पाएंगे। अच्छा आप लोगों को कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, तो ताली नहीं बजाई आपने। हाँ अब अंक कैसे लिखते हैं, ऐसे एक लाइन खींचिए। हाँ देखिए, ऐसे आ बना लिया, आ बना। अब अंक लिखने के लिए इसके ऊपर क्या करेंगे? बिंदी लगा देंगे, ठीक है? आप जरा लिख के दिखाइए, अनंत ने भी बहुत अच्छा लिखा है। अब अंक के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? आहा। आहा आहा अक्षर से क्या होता है? आहा अक्षर से कुछ नहीं होता है, मगर इस अक्षर से तमाम सारे शब्द बनाए जाते हैं। जैसे अनंत बोलो, छह, छह। आप बोलिए, आता है आहा अक्षर से? प्राय, प्राय। प्रातः, बोलिए आप प्रातः। हाँ तो इस तरीके से आहा अक्षर से बहुत सारे शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है? आप लोग जरा लिखिए, देखिए कैसे लिखते हैं आहा। हाँ देखिए, हाँ अब आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे लिखते हैं आहा। हाँ। और ये भी समझ में आ गया कि आहा अक्षर से कौन कौन से शब्द बनते हैं। ये क्या है? ओ, 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 ओ से क्या बना है? ओस। ये औरत, ये ओखली, ये ओट। अब ओ से औरत, ओ से औजार, अंग से अंगूर और अंग से अंडा। अब आप लोग ने जितने भी अक्षर सीखे हैं वो सब आप लोग अपने अपने स्लेट पर लिखिए।